हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कोई सुबह सुबह कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, और हम इस गाड़ी को लेके दूर निकले आए घर से। आज ये दशा तेजा जी महाराज का मेला लगेगा यहाँ पर धाम है। तो जो धाम है बहुत ही प्रसिद्ध धाम है यार, कम से कम 50 सालों से, मैं तो जब से जान में लगा जब से इसी धाम पर आता हूँ हर दशे को, और दूर मूर किधर ही नहीं जाते हैं। और अब तो अच्छा सा मंदिर बना दिया है, देखो पूरी सजावट कर रखी है, और ये पूरा ग्राउंड है आप देख सकते हैं ये वाला। यहाँ पर अभी सुबह सुबह हम जल्दी से 5 बजे और 4 बजे उठ के जल्दी से आ गए हैं। अभी तो नहाया भी नहीं, इधर ही नहाने का कुछ व्यवस्था देखेंगे, बाकी भैया के साथ निकल आए थे। मुश्किल से जगह मिली है हमें, क्योंकि रात को ही लोग रात को ही अपने पट्टे रख गए अपना अपना आदि जमाने के लिए। यार बहुत जल्दी आए फिर भी जगह मिलने को नहीं मिल रही है, तो क्योंकि लोग बाग रात को आके अपने अपने पट्टे रख गए। हम वैसे इधर घूम रहे हैं, जगह ही नहीं दिख पा रही, लेकिन देखते हैं थोड़ी सी जगह थोड़ी सी मिली है वहाँ पर लगाते हैं। और कभी सपने में भी नहीं सोचा था यार ये दिन भी आएगा। यार छोटे थे थोड़े, मतलब अभी जब मेले में सिर्फ घूमने के लिए आते थे, गाड़ी वाड़ी उठाए दोस्तों के साथ और घूम गए, और दिन भर घूम के शाम को घर चली गई। और नहीं सोचा था कभी यार कि ऐसा भी कहाँ दिन आएगा। पर समय के साथ थोड़ा थोड़ा दिन देखते हैं, थोड़े समय की तो बात है। तो हमें दूसरी जगह मिली है, तो भैया गाड़ी पार्क करते हैं, कहाँ पर जगह मिली अच्छी वाली। तो यार दोस्त, आज तुम मेरे साथ दिन भर बने रहना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ की कितनी पब्लिक जुटती है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं सबको दिखाएंगे। और फिलहाल दिन भर हमको यहाँ रहते हैं, और आपको शायद मैंने धाम भी दिखा दिया है और मंदिर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से दिख रहा हो शायद तेजा जी महाराज का मंदिर है, और बहुत प्रसिद्ध धाम है आवन में। मेले में इंजॉय करते थे, आज इंजॉय कराएंगे लोगों को, तो आप बने रहिए। अभी तो कोई भीड़ नहीं, भी देखो चारों तरफ बिल्कुल खाली है, पूरा ग्राउंड यानी खाली है। और निकल आए सुबह सुबह जल्दी सुबह, खाना भी नहीं खाया, और बताते हैं पूरा। तो आप सपोर्ट करना और मेरे साथ दिन भर बने रहना यार, पूरा देखना एंड तक। तब तक के लिए बाय बाय। वेल राइट गाइस, फाइनली हमारी दुकान लग चुकी है पूरी तरीके से, पूरा प्रसाद जमा दिया है, और इसी में दुकान है अलग से, हमने कोई जगह वगैरह का व्यवस्था नहीं किया, इसी में दुकान का डाल दी है। और थोड़े यहाँ पर ऐसे जगह था सिस्टम, तो इधर भी पत्थर वत्थर रख के बना दिया ताकि लोगों को आने में परेशानी ना हो। और इधर कुछ लोग तो लड़ रही हैं दुकानों के चक्कर में, यहाँ हम लगाएंगे। इधर पुलिस ट्रैफिक लग चुका है, देखो इधर ज़्यादा जने एलाव अंदर नहीं है, मतलब बड़ा बड़ा वाहन छोटा मोटा तो लग रहता है। कल तक तो यार बहुत बरसात थी, वैसे आज ऐसा मौसम तो हो तो नहीं रहा, देखो पूरा साफ ही साफ है, ऐसा पानी जैसा माहौल बन नहीं रहा। अगर बनेगा तो पूरा माहौल मिट रहेगा, माहौल मिट रहेगा तो जनता जनार्दन सब परेशान हो जाएगी। बने रही यार दिन भर का शेड्यूल है, दिन अभी तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली खाली सी जगह। हम तो बहुत जल्दी आ गए थे इस जगह के चक्कर में, तो ये भी बुकिंग हो जाती ना तो उधर उधर जगह मिलती, अगर उधर जगह मिलती तो फिर उधर पर्सन लेने ही कौन जाएगा। इधर से आने का रास्ता यही है, तो यहीं से लेंगे सब लोग, बगल में पास में ही हाईवे है। तो बने रहिए, आप सब डिटेल में बताऊँगा, अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ, व्यवस्था से नहाते हैं इधर ही अभी। तो फाइनली हम बनाने लगे प्रसाद, और प्रसाद में क्या क्या रहेगा, एक नारियल, भैया हमारे प्रसाद बना रहे, एक नारियल के साथ चिरौंजी, उसके साथ में एक पान बतेसा रख दें, उसमें एक बतेसा, और उसमें दो अगरबत्ती है ना। और प्रसाद की कीमत रखी हमने ओनली 20 रुपये, में से 15 रुपये का तो नारियल ही हो जाता है, और साथ में चना चिंजोरी, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं, बस प्रसाद है इस वजह से। आप कमेंट बॉक्स में भी बताना अगर ये महंगा प्रसाद लग रहा हो आपको तो। एक नारियल के साथ में चना चिंजोरी है, पान है, और दो अगरबत्ती है। अरे छोटी सी हमारी दुकान है जो कि हमने टैक्सी में फिट कर दी है, इधर जगह तो नहीं है लेकिन भैया ने पत्थर वत्थर डाल के कर दिया है। यहाँ से जो भी जनता आएगी सीधा इधर, इधर सामने मंदिर है और सामने दुकान है, और इधर भी प्रसाद की दुकानें लगेंगी, पूरा दिखाएंगे आपको। दिन भर बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं यार धंधा तो बाद में, पहले प्रसाद ही करते हैं। तो भैया ने बढ़िया एक प्रसाद बनाया, और जो मंदिर है वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे, पहले उनको यार समर्पित है और उनकी कृपा दिन भर, देखते हैं कैसी बने रही। शायद सबसे पहले फर्स्ट प्रसाद हमारे ही, इससे पहले अभी किसी ने नहीं चढ़ाया। भैया सुबह सुबह नहाए थे, मैं सुबह नहाता नहीं। चलो दुकान पर तो अभी भैया बैठा है, और मैं नहाने की, मेरे कपड़े वपड़े तो सुबह घर से जल्दी जल्दी निकले तो नहा के नहीं आए, सो मैं यहाँ जाता हूँ नहा धो के आराम से टन टन, इसके बाद में आपसे मिलता हूँ। जब तक ग्राउंड भी भरा जाएगा मुझे मिनिमम 1 घंटा लग जाएगा, रेडी स्टार्ट में नहा धो के रेडी होता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। सो है गाइस, फुल गेटअप के साथ रेडी हो चुका हूँ, और जहाँ नहाने का था वहाँ नहा धो के एकदम रेडी, और अब चलते हैं सीधा मेले में। और मेले में बहुत भीड़ लग चुकी है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं जाके आपको दिखाता हूँ सब कुछ कितनी भीड़ हो चुकी है। और अब यार जनता जनार्दन आने वाली है, तो मैं अभी फिलहाल ट्रैक पे हूँ, नीचे उतरता हूँ और फिर अपने मुकाम पे पहुँचता हूँ। आज तो मेलो लगा रहे, तम भैंस चला रही है, किस हाल से लगी दादा मेलो? मेलो
हाँ लगभग तुम्हारी उम्र में सर जब से यहीं लगे कि और अलग जगह लगे थे पहले बाद में लग लगो यहाँ पहले कहाँ लगा था पहले कहीं नहीं लगा अच्छा यहीं से स्टार्ट है वो कम से कम यहाँ 20 साल हो गए यहाँ है ना आवन के खत्म रहने वाले 20 साल काफ़ी दिन हो गए 20 साल पहले तुम्हें शायद दुनिया में ही नहीं है जो तो दादा जी से पूछा ये 20 साल तक का मालूम है उन्हें भाई सब तक इतनी दुकानें आ चुकी है मैं जैसे जैसे आगे जाता जाऊँगा आपको दुकानें दिखाता जाऊँगा फोटो स्टूडियो खिलौना मिलौना सब आ गए धीरे धीरे पूरा मेला घुमाऊँगा और वो रही है हमारी दुकान शायद यहाँ से नहीं दिख रही होगी आपको दुकानें पूरी सिस्टमेटिक ढंग से लगी देखिए एक इधर लगेगी और बीच में रास्ता रहेगा और उधर लगेगी फिर इधर रास्ता रहेगा फिर उधर लगेगी ऐसे दुकानें लगने वाली है यहाँ पर देखो ये ओह दादा तो घसने लगे दांत रखो इधर इस मंदिर है और अब मैं नहा धो के आया हूँ तो यहाँ पर धो करता हूँ पहले मैं बिना नहाए था और आपको दिखाऊँगा अंदर दर्शन कराऊँगा आज ये मंदिर है पूरा काका जी महाराज है ये और इधर तेजा जी महाराज है और पंडा जी ये स्टार्ट होने वाले हैं मैं धोख करता हूँ सब ऐसी यही मंदिर है आपको दर्शन कराया और पंडा जी प्रसाद चढ़ा रही हैं और अभी जनता पब्लिक ही रही है यहाँ पर पहले तो मंदिर थोड़ा इतना अच्छा रहता नहीं और वो अच्छे से मंदिर बन गया है और आसपास दुकानें भी आ गई है देख सकते हैं आप देखो ये और अभी तो ये तो कुछ भी भीड़ नहीं है यार अभी तो क्या हुआ है 1 घंटा ही हुआ शायद 1 से 2 घंटा अब धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ेगी ना तो आपको सब पता ही बने रहिए मेरे साथ दिखाऊँगा आज पूरा मेले का सीन मैंने भी खाना वाना खा के तैयार हो चुका हूँ ना लोग पूरा गेटअप के साथ चलता हूँ दुकान पर मेला ग्राउंड पूरा भरा चुका है अब बस बाकी है तो जनता जनार्दन तेजा जी महाराज के निशान आने लगे हैं और अब जनता भी स्टार्ट हो चुकी है अभी फिलहाल 2 ही निशान आए हैं और पूरी साजवाज के साथ लाया जा रहा है उनको ये हो गाइस आगे घूम धूप और पीछे पूरा उनका सामान जा रहा है गादी मादी सब लेंगे सबकी अर्जी लगेगी यहाँ पर ये मंदिर अभी निशान जलेंगे जब आपको दिखाऊँगा
किसी का। अब चलते हैं सीधा घर, जाने का टाइम हो चुका है और पानी का मौसम हो चुका है। सकल पर बज गई 12, 13, 14, 15 सब बज गए। छोड़ते हैं शेर, पूरा दिन हो गया है, खाना पीना भी नहीं खाया है और घर जाके खाएंगे। अब चलते हैं, बाय बाय करते हैं इन सबको। हालत जरूर पूरी डाउन हो चुकी है यार, पूरी तरीके से पूरा दिन हो गया यार। सुबह के निकले थे 5-6 बजे के लिए, पूरा आपको दिखाऊंगा। आ गए हम हाईवे पे, चलते हैं सीधा घर। बहुत हो चुका पूरा दिन यार ख़त्म। खाना तो सुबह ही मिला था, इसके बाद तो मिला ही नहीं। खाएंगे तो आई होप यार आज का वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पर आप पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं सीधा घर, अब क्या वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा। अब तो खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे, थक चुके हैं बुरी तरह से। बाकी मिलते हैं फिर कभी नए वीडियो के साथ यार, जब तक के लिए बाय बाय।